हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम खेलने जा रहे हैं रॉयल रंबल 10 मैन सुपरस्टार है, ठीक है? तो ज़्यादा ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए अपना अपने अपने पार्टिसिपेंट चूज़ कर लेते हैं। मैंने हटा के यहाँ रखता हूँ एजी स्टाइल और ब्राउन स्ट्रोमैन। चलो रख लेते हैं कार्ल एंडरसन को, डॉग यहाँ रखते हैं ब्रोक लेसनर। कहाँ गए अपने ब्रोक? यहीं पर तो थे, सॉरी ये रहे। ऑफिशियल तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत ढूंढने में दिक्कत होती है। यहाँ पर रखते हैं कोडी रोड्स, ये वाले, ठीक है? और स्कॉट हॉल की जगह रखते हैं। सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा नया हूँ वॉइस ओवर में, तो मैं जानता हूँ बहुत गंदा वॉइस ओवर है मेरा, बहुत ज़्यादा। मुझे एक दो लोगों ने कमेंट भी किया है कि मत करो वॉइस ओवर, लेकिन मैं करूँगा। भले एक मुझे थोड़ा सीखने में भी, तो मुझे यही बहाने में थोड़ा सीख लूँगा, क्योंकि जब तक मैं डेली करूँगा नहीं, तब तक मुझे आएगा भी नहीं, कोई चांस भी नहीं है। जेकब फाटू को रखें अगर आप लोग कहो, क्या कहते हो? चलो ले ही लेते हैं, वैसे भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जेकब, और इनका काफ़ी बड़ा रोल है आजकल। चलिए इंट्रेंस इंटरवल रखते हैं 90 सेकेंड का, ठीक है? इसको रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनलिमिटेड हो सकता है क्या? 1 सेकेंड रुकिएगा, 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते अंदर। यही चीज़ मुझे 2K24 में सही नहीं लगती। जैसे आप 2K16 और 2K17 हो लो, तो उसमें 30 के 30ों आ जाएंगे एक साथ। इसमें कैपेसिटी दिए हुए हैं ये लोग। वैसे अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे मेरा 2-3 दिन से थोड़ा स्टार्टिंग से अब थोड़ा अच्छा हो रहा है। स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे इस मैक डाउन लिखा हूँ, तो इससे मैं पढ़ रहा था मैक डाउन, सॉरी मैक डाउन भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल स्मोक, सॉरी आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको रॉयल रंबल अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा बुरा कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्लेमोर आके ही लगा दिया ड्रू मैकइंटायर ने, डायरेक्ट एजे स्टाइल के क्लेमोर लगा दिया। देखा, मैं 2 बार बोल गया, मुझे सॉरी थोड़ा याद नहीं रहा, ये गलत किया ये ड्रू मैकइंटायर ने। ओ भाई, आते ही एलिमिनेट कर दिया एजे स्टाइल, तो बहुत गंदे तरीके से गए हैं। वैसे यही होता है जब जिसके पास, मतलब जैसे रोमन जे और ये ड्रू मैकइंटायर या जे उसो, ये आते ही लगा देते हैं अपना स्पीयर और जो भी डॉट डॉट, जो भी मतलब कि स्टार्टिंग में लोग जो अनरिवर्स, वो सॉरी रिवर्स इसका होता जल्दी होता नहीं है। थोड़ा मैं सॉरी, देखा मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ, ठीक है? तब तक स्टार्ट कर, ओ सॉरी, मैच पे फोकस करते हैं भाई। हल्क होगन का फिनिशर भी छीन लिया ड्रू मैकइंटायर ने, मुझे लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर चिपकाने वाले हैं। और सॉरी ब्रो, सॉरी, हल्क होगन थोड़ा मजबूत आदमी थे, थोड़ा बच गए हैं, तो क्लेमोर इनके भी लग सकता था। वैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो बार बार रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन हल्क होगन सर इतने मजबूत हैं कि बार बार बचाए ले रहे हैं अपने आप को। क्या मुक्का मार रहा है, देखा ड्रू मैकइंटायर तीन तीन राउंड गिरे हैं घूम के, मतलब 3 राउंड रहता है, मुझे पता है 1 राउंड है, लेकिन 3 राउंड चकरा गए होंगे। ओ सही है, मुझे लग रहा था कि ड्रू मैकइंटायर वो अपना क्लेमोर लगाने वाले हैं। क्या लगता है वैसे सर? ओ मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि मैंने सीएम पंक नहीं लिया इस मैच में, कि लिया है मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं लिया है। लेकिन कल अगर इसमें मेरे 5 लाइक हो जाते हैं, तो मैं कल 20 मैन सुपरस्टार रॉयल रंबल लाऊंगा, ठीक है? सॉरी 20 मैन, बीच में हिंदी बीच में इंग्लिश बोल रहा हूँ। भाई हल्क होगन को भी लपेट दिया है, और अगर ड्रू मैकइंटायर इन्हें एलिमिनेट करने का सोचते हैं तो आराम से हो जाएगा। ओ भाई डायरेक्ट हो गई है, तो मुझे लगा यहाँ डोरी वोरी पकड़ लेंगे, लेकिन रस्सी भी नहीं पकड़ा। अब देखते हैं कौन आता है भाई। 2 लोग तो बहुत जल्दी ड्रू मैकइंटायर एकदम फॉर्म में, और ड्रू मैकइंटायर, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, ड्रू मैकइंटायर बहुत अच्छा तगड़ा खेलते हैं, खासकर रॉयल रंबल में। रियल मैच में तो उनका कोई भरोसा नहीं है भाई। ये क्या हो रहा है? चलो बटिस्टा अंदर आ गए हैं, बटिस्टा की एंट्री हो गई है। अरे बटिस्टा के पास अपना बटिस्टा वहाँ, मैं चाहें तो ड्रू मैकइंटायर उड़ा सकते हैं, रिवर्स कर दिए बटिस्टा ने आते ही, काफ़ी सही था। ये क्या कर रहे हैं? लेकिन इतने लगेंगे नहीं, बटिस्टा है सामने, बटिस्टा चाहे तो उड़ाओ बटिस्टा। ओ भाई ड्रू बहुत तगड़ा खेल रहे हैं अभी। वैसे मैंने शायद सीएम पंक लिया क्या लिया, मैं भूल गया इतनी जल्दी ये ड्रू मैकइंटायर। ओ भाई ड्रू, हाँ सॉरी, सिग्नेचर है कि फिनिशर है मुझे पता ही नहीं है भाई। इसके पास ड्रू मैकइंटायर पास इतने सारे फिनिशर कैसे आ गए? क्योंकि मैंने भाई सभी को एक एक फिनिशर दिया था। ड्रू मैकइंटायर अच्छा मार रहे हैं ना उतने सभी, तभी इनके पास इतने सारे सिग्नेचर फिनिशर हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि बटिस्टा को इतनी जल्दी एलिमिनेट कर पाएंगे। अरे यार भाई ड्रू मैकइंटायर लग रहा है आज रॉयल रंबल जीत जाएंगे कुछ, मुझे लग रहा है 1 2 3 3 लोग जा चुके हैं, 3 लोग।
वो भी मुझे लगा 3 मिनट भी, अभी 3 मिनट भी कोई नहीं टिका है, बहुत तगड़ा चल रहे हैं भाई। जेकब आ गए, वैसे जेकब मैं चाहता हूँ जेकब ड्रू मैकइंटायर को एलिमिनेट कर दे तो ज़्यादा सही है। वैसे ड्रू मैकइंटायर की देख रहे हो, ड्रू मैकइंटायर का जोश कितना बढ़ गया है, चार तीन लोग को हटा के। क्या देखो, तीन लोग तो जा चुके हैं, चार पांच ही हैं, पांच लोग और आएंगे अभी। काफ़ी जल्दी मैच फिनिश कर रहे हैं ड्रू मैकइंटायर वैसे भाई। चलो अब जेकब थोड़ी अपनी फॉर्म में आए, रिवर्स कर लिए, अब थोड़ा शायद मचा सकते हैं अगर रिवर्स ना किए तो भाई। क्लेमोर न मारे इसलिए पाँव ही तोड़ रहे हैं सबसे पहले भाई। मुझे लगता है जेकब फाटू आज प्रेजेंट टाइम के उमागा हैं, क्या कहते हो? अगर सहमत हो तो कमेंट करना, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उमागा सर थोड़े ज़्यादा खतरनाक हैं। और सबसे बड़ी बात है बॉडी इनका, इनकी बॉडी और इनके हेयर स्टाइल देखिए एक बार, और काफ़ी ज़्यादा कॉपी लगता है इनके, काफ़ी मुंह भी थोड़ा उमागा सर के कॉपी हैं। सबसे ज़्यादा कॉपी तो सोलो ने किया है, सोलो नाम तो ज़रूर है लेकिन सारे मुंह कॉपी कर लिया अकेले। ओह तभी तो नाम सोलो है भाई। ड्रू मैकइंटायर बहुत सही खेल रहे हैं आज, देखते हैं कि ड्रू मैकइंटायर को जो एलिमिनेट करेगा मेरे हिसाब से वही सुपरस्टार होगा, भले ही वो लास्ट में हार जाए। भाई समोन ड्रॉप लगा दिया है, सीएम पंक आ गए, अब तो भाई ड्रू मैकइंटायर का जाना था 100%। सॉरी ये पता नहीं क्या होता है मेरे में। हाँ भाई अब ड्रू मैकइंटायर की मुझे लग यकीन है कि जा चुके हैं भाई। ड्रू मैकइंटायर की ओर ध्यान दो सीएम पंक, ये आज जीतने नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसके पिछले मैच में भी यही जीते थे ड्रू मैकइंटायर ही साथ जीते थे। हाँ जेकब फाटू सर बहुत मचा रहे हैं, लेकिन भाई चलो सही है सही है सही है। ड्रू मैकइंटायर ने अपना सिग्नेचर लाओ भाई। देखा मैंने क्या कहा था कि सीएम पंक की ड्रू मैकइंटायर को हटा सकते हैं और कोई नहीं हटा पाएगा। इतना जोश में सीएम पंक, देखो यहाँ ड्रू मैकइंटायर ड्रू मैकइंटायर का दिमाग खराब हो गया कि हर बार सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रिएक्शन भी दिए थे ड्रू मैकइंटायर का वही वाला कि हर बार भाई लग रहा है जेकब फाटू वैसे ये रॉयल रंबल में थोड़ा वीक तरीके से खेल रहे हैं लग रहा है। और इनके पास फिनिशर होगा तो सीएम पंक मुझे लग रहा है कि एलिमिनेट हो जाएंगे। वैसे जेकब ने लगाया नहीं है, बच गए हैं, देखते हैं अगली बार कौन आता है। क्या लगता है कौन आएगा? मेरे हिसाब से भी ब्रोक लेसनर बचे हैं, मुझे लग रहा है कि ब्रोक लेसनर ही आएंगे। क्या लगता है? देखते हैं कि ये जुआ काम करता है कि नहीं। रोमन रिंग्स की एंट्री हो गई है, अब मुझे लग रहा है जेकब के जाने का समय आ गया, या तो सीएम पंक का, क्योंकि 100% रोमन किसी एक को तो एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि तो इनके पास एक फिनिशर भी अब सीएम पंक के पास भी था। लेकिन ओ भाई ये सीएम पंक का मुंह काफ़ी तगड़ा था, दोनों को लपेट लिया। डबल टीम अप करेंगे क्या? ओ भाई ये तो रोमन ने गेम खेल दिया पीछे से भाई, यहाँ डबल टीम अप होना चाहिए। रोमन को हेल्प ही नहीं कर रहे हैं सीएम पंक की। अब करेंगे भाई, सीएम पंक ने जेकब को एलिमिनेट कर दिया है। वैसे मुझे लग रहा था कि जेकब को एलिमिनेट रोमन करेंगे, चलो कोई बात नहीं भाई। ट्रिपल सुप्लेक्स मारेंगे यहाँ पर। ये मैंने गलती से एक बार 2K70 में मुझे ये मूव पता चला था, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कहाँ से आता है। मुझे उस समय यूट्यूब नहीं था मेरे पास, तो मुझे बटनों का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो एक दिन गलती से ये मूव मेरे एक छोटे लड़का है उसने ट्राई कर लिया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मूव कहाँ से आया, और ये मूव मुझे पता चला 2022 में जब 2K22 आया था, उसमें नहीं था, लेकिन वहाँ 2K90 में ये मूव है, और मुझे था 2K22 में भी, जो 2K22 वाले रोमन थे, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया ना भाई। सीएम पंक ने सिग्नेचर लगा दिया है रोमन के। वैसे ये रॉयल रंबल है तो यहाँ तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो है नहीं, केवल भाई कोडी रोड्स की एंट्री हो गई है।
और यहाँ पर जब थोड़ा एनिमेशन होता है तो थोड़ा थोड़ा लैग दिखाई देता है मुझे, लेकिन ये पता नहीं क्यों हो रहा है। वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड 4K तक संभाल सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों होता है ये। भाई लग रहा है सीएम पंक का टाइम आ गया है। वैसे रोमन हेल्प कर दो एक बार, वैसे रोमन हेल्प कर देते तो ज़्यादा तक सीएम पंक जा सकते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे। वैसे इतनी जल्दी ना जाते, मैं भी जानता हूँ अंदर से। अरे कोडी कोडी सॉरी, मुझे यहाँ थोड़ा पता नहीं क्या हो गया था। ओ भाई सीएम पंक ने कोडी को भी उड़ा दिया। भाई रोमन का दिमाग देख रहे हो, गिराया उसके बाद पेल दिया। रोमन तो एकदम अपनी फॉर्म में आ गया, लग रहा है यहाँ पर फिनिशर मारेंगे। नहीं मारे, चलिए अगर मार भी देते तो रिवर्स हो जाता, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। भाई मुझे लग सीएम पंक पे कुछ शक हो रहा है, कहीं रोमन को ना एलिमिनेट कर दें। वैसे मुश्किल है लेकिन कहा नहीं जा सकता। वैसे ओ भाई सीएम पंक, मैं अगर ना कहता तो ये होता ही ना, यकीन मानो। रोमन को मारने के बाद वो देखो गुंडे ही दिखा रहे हैं। भाई डोमनिक आ गए हैं। डोमनिक मिस्टीरियो है कि अमेरिकन लिखा है यार? हाँ मिस्टीरियो लिखा है, मुझे यहाँ से अमेरिकन लग रहे थे। और ये येलो अटायर काफ़ी अच्छा है, ये नया वाला है जो मैं 2K24 वाला। सीएम पंक ही मुझे लग रहा है जीतेंगे। अभी ब्रोक लेसनर बचे हैं, ब्रोक लेसनर को तो मैं भूल ही गया था। क्या लगता है कौन जीतेगा, ब्रोक लेसनर या सीएम पंक? डोमिनिक का भी भरोसा नहीं है वैसे, लेकिन मुझे लग रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो चले जाएंगे एक दो बार में। भाई एक मुक्का और, ओ भाई सबसे ख़राब जो एलिमिनेशन था वो डोमिनिक का था, एक मुक्के में चले गए। ये कोई फिनिशर ना ही कोई फिनिशर था, ना ही कोई सिग्नेचर था, बहुत ज़्यादा ख़राब है ये डोमिनिक भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब थे डोमिनिक। कौन आ रहा है ये? लग तो मुझे लग रहा है ब्रोक लेसनर है। हाँ ब्रोक ही है भाई, ये किस तरीके की एंट्रेंस थी इनकी। ब्रोक भाई थोड़ा सबर कर लो ब्रोक, मुझे लग रहा है कि भाई सीएम पंक ने फिर अपना लगा दिया। मुझे लग रहा है सीएम पंक ही जीतेंगे, क्या लगता है आप लोगों को? सॉरी मेरी यहाँ पर आवाज़ अभी थोड़ी डाउन हुई होगी क्योंकि मेरा मुंह थोड़ा बोलते बोलते नीचे हो गया, मुझे पता भी नहीं चला था। फिर मैंने थोड़ा नोटिस किया कि मेरी आवाज़ हो सकती है कम रिकॉर्ड हो, तो मैंने मुँह साइड कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा आज का वॉइस ओवर इस वीडियो में कैसा है, क्योंकि अभी मुझसे नहीं बन रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और आप लोग भी जानते हैं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए कैसा भी मतलब वीडियो, ठीक है भाई? यही दोनों लास्ट बचे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। सीएम पंक काफ़ी तगड़े लग रहे हैं, काफ़ी जैसा कि अभी कमेंटेटर ने कहा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था शॉट, सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटी। भाई ये वाला शॉट काफ़ी काफ़ी तगड़ा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। हो सकता है कि मैं इसे थंबनेल में रखूँ, ठीक है? भाई ब्रोक लेसनर यहाँ मार खा रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा था ब्रोक लेसनर इस तरीके खेलेंगे। वैसे सीएम पंक काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन सबसे सही चीज़ अगर मैं कहूँ तो ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक काफ़ी एक तरह से खेले हैं। दोनों तैयारी कर रहे हैं ना अगले समर स्लैम का, अभी ऐसा हो रहा है दोनों मतलब 20-20 जा रहे हैं, ना कि 19-20। क्योंकि देखो पांच तक वो एलिमिनेशन में रहे, पांच तक छठवें में उनका एलिमिनेशन हुआ है ड्रू मैकइंटायर का, और उस छठवें में ही सीएम पंक भी आए थे, तो दोनों बराबरी बराबरी में है। पाँच पाँच में समझ लो एक तरीके से दोनों गए। भाई सीएम पंक ने फिनिशर लगा दिया ब्रोक लेसनर के, और अब मुझे लग रहा है कि ब्रोक लेसनर एलिमिनेट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांस है। भाई ये सीएम पंक क्या कर रहे हैं, इधर आना चाहिए था, वो डायरेक्ट ऊपर रोप में चढ़ गए। भाई क्या मारा है हेड, बिल्कुल चिन पे मारा है एक लात। अगर रियल में ऐसा होता ना तो एक दो के दांत उखड़ जाते, पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। भाई भाई बहुत बहुत अच्छा ये रिवर्सल था ब्रोक लेसनर का। भाई ये ब्रोक लेसनर को क्या क्या हवा में मार रहे थे। भाई गए गए गए, ओ भाई बाल बाल बचे, यकीन नहीं हो रहा। मुझे लग रहा था कि सीएम पंक जा चुके, बहुत बहुत तगड़ा बचे हैं इस बार। भाई भाई
सीएम पंक ही जीत गए। मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि सीएम पंक ही जीतेंगे, मैं तभी मैंने सीएम पंक को लिया था। और इस सबसे मैं पहले ही बता दूं कि ये जो मैच था ये कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर था एक तरीके से। मैंने कोई भी कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल करता तो मैं आराम से जीत जाता। आप लोग भी जानते हैं, अगर आप लोगों ने खेला है 2K22 23 डॉट डॉट तो आप लोग को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। लीजेंड मोड पर भी ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अभी मैंने इसे कंप्यूटर रखा है AI वाला, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था सीएम पंक जीतेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले मैच पे, ठीक है।